पीएल हम लोग चढ़ी तेरे को भाई देख ले देविंदर तू फिर बाबली बात तो करे ना करता भाई तू इतने में 2 लाख कोर्ट कचहरियों में 500 रुपए तू निकाल के मुझे दे मैं छुड़वाऊंगा तेरा कब्जा मैं देखू कितना बड्डा दबंग बैठा वहाँ चाचा खा ले तन घर तक चले चली हो क्यों बेटे क्या परेशानी बन गई चाचा वो बाबार का जो ना पुष्पा बुखार बन गो पुष्पा बुखार भाई ये क्या बीमारी लिया है बुढ़ा के नहीं देख रहा देविंदर तू फिक्र मत कर तेरा काम निपटाऊंगा सांझ को चल तू चल मैं आ रहा हूँ पहुंच तू बेटे आ लिया आ जाओ चाचा तो मैं देखू इन होगा क्या मामला सांझ को पैसे दे ही जाइयो कभी मक्खा ही कर दे देविंदर तू है किसी की बातों में ना आना अब तू यहाँ बैठा ही रहेगा नंबरदार मेरे घर में बैठा ही कल तक क्यों ना से रही आयो ना खालिद आ रहे माँ नू कह रहे तू चल मैं आ रहा हूँ अरे तो उत्ते हकायक बैठा हो तू यहाँ को आजा मेरे थोड़ी उत्ती तेरे ऊपर आ जाएगी नहीं तो हे चाचा कैसे टांग पे टांग धर के बैठे हो भाई यू टांग मेरी है अब यू टांग भी मेरी है तो कहाँ जा पड़ रही है तू कहाँ ले वे उत्ती डॉयन तो मेरा ही घर मिला आयो कहीं और जा मरती चाचे किसके लिए कह रही हो कौन दिख रही है तुम्हें यहाँ पे रे यही डॉयन तो कह रही हूँ जो हम बड़ी बैठी है इनो में बड़ी बैठी है कौन बड़ी बैठी है चाची इनो में बूझ ले यही थे चाचा क्या मामला आये कौन बढ़ के बैठ गई तुम में पुष्पा पुष्पा बाज झको नौ कथाई भी बेहमन कब से बनी है चाचा को ये परेशानी पता ना चाचा बाबा नु कह रहे नु यार मेरा फिल्म देखने को जी कर रहा मेरा मन सो न लग रहा तो मैंने सोच बाबा आपने फोन दे दिया नु बाबा ठीक है तभी हम फिल्म देख लीजो मैं चाचा जल्दी सो गो क्योंकि पलेवा करो ना मैंने खेतन में गाजर भरवाई तो मो थकन से और ही मैं तो सो गो अब सुबह जब सु बाबा उठे हैं पता ना चाचा इनका क्या परेशानी बन रही है नु मैं पुष्पा हूँ झुकूंगा नहीं और नु कर करके डांटी और खरोच मारी पता ना क्या हो रहा चाची तुम जरा भी मत घबराओ मैं आ गाऊ अब मैं करता हूँ कुछ ए जनानी कितनी उम्र तेरी ये बतला मेरी 85 साल 85 मैं अमन ये तो चाचा की हम उम्र पड़ी है झूठ बोल लिया हराम जादी भैया खालिद ये जो है चैटार की बुआ है अभी कुछ दिन पहले जो ना यहाँ अटैक पड़ गया मर गई 50-55 साल की उम्र ही कुलिया की गैल भी पढ़ी है यू देख लो कैसी जीभ मचला रही है भाई पुष्पा तू अच्छी जगह और हम बुरी जगह हम यहाँ की ओर तो माफी मांग रहे हैं भाई खाली दिए तो है बावड़े तू भी इनकी तरह बावड़ो हो रहा दिखे चाचा हमें बावला बतला रहे हो बावली बातें तो तुम खुद कर रहे हो मैं जब तुमसे पूछ रहा हूँ कौन है तनु का जी पुष्पा झुकेगा नहीं और क्या करना करेगा है तू भी ना समझेगा मोलग है यहाँ से चल पड़ेगा इनके सामने रहेगा ना ये हमारी बात सुनेंगे नहीं और अपनी समझाएंगे नहीं चल यहाँ तो एक अंत में बतलाएंगे चल हम समझाऊंगा तो कहो को भग रहा हो खा रहा हूँ थो मैं आगे दिखेंगे बाथन में आज उनको समझाऊंगा तो सारी बात तू नीचे को मत हो जाइयो कतई भी ऊपर रहना हो कतई आ भैया समझाऊंगा तो सारी बात बेटा मन ध्यान रखिए बुड्ढे को पता नहीं उम्र में और कहा गुल खिलाएगा पता ना अरे पुष्पा तो हमारा ही घर मिला आयु खोर में को
चाचा बतलाओ तो सही, क्या खा के निकल गए ऐसा घर से जो ऐसी परेशानी बन गई तुम्हें? कंधा भी उठा रखा तुमने ये? अरे रात एक फिल्म देख ली, वहां को प्रभाव पड़ गई मुंह पे। फिल्म देख ली? ऐसी कैसी फिल्म हो गई चाचा जिसने तुम्हारा कंधा तक उठवा दिया? ये फिल्म ही पुष्पा। पुष्पा? तो चाचा ये तो कोई जनानी फिल्म समझो है? अरे फिल्म ही जनानी ही, वहां में जो एक्टर है ना पूरा मर्द हूँ। अब तो एक बात सुन, हर आदमी की एक अंतिम इच्छा हो कर रहे, मेरे बच रहे कुछ ही दिन मरने में, तो जितने दिन बच रहे मेरे मैं सोच रहा हूँ पुष्पा की तरह जीऊँ सहिंसा में। अब तो मेरी मदद करनी पड़ेगी वहां। चाचा देखो कर तो तुम बुढ़ापे में नहीं जी रहे हो कि नुका पुष्पा की तरह जीना, तुम्हें क्या पता ना जनानी बनने में मजा मिल रहा, पर बताओ किस तरह कर सकूं मैं तुम्हारी मदद? मोबाइल पकड़। मैंने आ मैं फिल्म घेर दी पुष्पा, वहां देख तो पहले और बाकी मैं तो कल समझाऊंगा फिर। तो यार देख क्या पहले? फिल्म तो चाचा मैं देख लूंगा, पर ऐसा ना जनानी का प्रभाव मुझ पर ना पड़ जावे। आ जाओ चलो। बताओ भाई खालिद कैसे कैसे रही अब? चाचा देखी मैंने तुम्हारी फिल्म, वो है इसमें चाचा बड़ा खतरनाक निकला है पुष्पा, तो है नाम ही जनानियों वाला ले रहा है ये जो कर कर। चाचा इसको जो हो ना आहिस्ता करियो, कभी तुम्हारी दाढ़ी में बाल लग जावे। खैर चाचा मैंने तुम्हारा मामला जो बना दिया। कैसे कैसे? चाचा देखो इसके अंदर पुष्पा तो तुम ही बनोगे, क्योंकि दाढ़ी जो है झुंडेदार तुम नहीं रखा रखी है, और पुष्पा का दोस्त तो रहूंगा मैं ही, क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त रही हूँ पहले से ही। चाचा मामला फंस रहा है सारा जनानी का। चाची रख भी रही है, कोमे में पड़ी है, उनकी हालत में कोई सुधार ही ना हो रहा। को बीमार चल रही घने दिन तक, हम तो भगवान तक नहीं हाथ जोड़े है, भगवान वह उठा ले परेशान ये तो। अब कहा करन लगा, छोड़ परे को इंगे सुन। रख भी रही है छोड़, सिर्फ आप ध्यान दे। ए चाचा बहुत आ गई कर लियो तुम्हें, उम्र ना देख रहे हो अपनी जरा भी? उम्र ही तो होगी है, दिल तो भी बच्चा है। चाचा तुम्हारे इस बच्चे दिल का पूरा ख्याल रखूंगा मैं, और तुम्हारा मामला भी पूरा जो तैयार कर दूंगा, पर चाचा इस पूरे मामले में जो खर्चा लगा। खर्चा कितना लग जाएगा? खर्चा चाचा तुम यही लगा लो 100 से 150 रुपए ले तक का, तो खर्चा आएगा ही आएगा। भाई खालिद खर्चा तो तेने मोटा बता दिया, पर पैसा जो है बात को या स्वाद को? कैस बहुत है दिक्कत मत ले तू बता। भाई चाचा तुम्हारे बच्चे दिल ने बात तो बड़े दिल वाली करी है ये। निकालो चाचा लाओ 150 रुपए निकालो है। मोपे का पैसा धरे है, पैसा ना मोपे। देख लो चाचा करो तुम बावली बात ना करते हो, अभी तनु का मुझ पर बहुत कैश हैगा है। अरे मैं पैसा नहीं खुनो कह रहा, केस केस हम ऊपर रहने दो चाचा। फिर तुम ना बन पाओगे चाचा पुष्पा, टाल मारो यार। अरे छो मत हो बे, रहा तो बता कोई पैसा को। चलो चाचा मेरे दिमाग में हैगा फिलहाल, उठो। भाई तेने घंटा भर तक बैठा रखू मैं, कई कौम हिले को भी ना छोड़ो, पक्की पता है न्यूकरी आएगी। चाचा तुम यार उल्टी बात तो मेरे साथ में करे करो मत, जब मैं बतला रहा हूँ मैंने उन्हों इधर से जाते खुद देखा, उन्हों के खेत इधर ही तो। चाचा आती होंगी जरा बहुत देर में यार। लो वो आ ले, तुम्हें झूठ लग रही मेरी बात, वो आ ले लो। हाथ दीजो तुम, बढ़िया चला ले मोटरसाइकिल तो है, धोरे आली रोक है जो हाथ है हाथ है। अरे शिल्पा जी रुकिया जरा रुकिया, है हो
कौन सी टोंग तर लंगड़ानो है? सीधी वाली थी चाचा। चलो ना जाओ कतई भी शिल्पा जी। oh, no. क्या हुआ श्यामलाल जी, कैसे लंगड़ा रहे हो? कहा बताओ शिल्पा जी, हम पे तो ग्रह चढ़ रही है। गेहूं में तो नीलगाय भगाने को आया हूँ मैं। अब वहां को जो बच्चा है ना बछड़ा नीलगाय को, वो हसू डर के भगो एकदम सु मन की वैसी डर के भगो है को मौत है। पीछे तो वहां जो अपने बाप सु विजारसु नीलगाय को हसबेंड हो वहां से जाकर शिकायत कर दी। पीछे से आया के ठा दिया टक्कर मारती टोंग तोड़ दी मेरी। ओए शामू, बहुत बदतमीज था उसका हस्बैंड तो। बहुत ज्यादा बदतमीज। कहीं चोट फेट तो नहीं लगी आपको? भाई देख लो मावसी शिल्पा, तुम करती हो बाबली बातें ना करती हो। टांग टूटी पड़ी है, इससे ज्यादा और क्या चोट निकलवाना चाह रही हो? निमटवाओ इन्हो। अब चाची देखो तुमसे इतनी सी इंतजा मेरी तो चाचा खुजो इन्हो के घर तक छुड़वा दो, है ना चाची? आओ चाचा जाओ। नाड़ फोड़ है मेरी है। सरको चाचा, सरको जा। कहाँ को आना है? फरक जा। जिगे नो यहाँ पे। जा खेत में को लील गाय को याद भगा दिए चल। चलो जी। शिल्पा जी जो न्यू कर चल गया या कटसु न्यू को हो लीजा। रजपुरा की नहर कर फरीद पर कर घूम कांगे। ए चाचा क्या परेशानी बन गई, ये तो बतलाओ। तुम तो गर्दन को लटका के बैठ गए ना पे। गर्दन कहाँ लटका रखे भैया, तो बहुत बेकार वीर बनी है। पूरे रास्ता में एक शब्द ना बोलिए कथाई भी। बतलाने के मारत में रजपुरा फरीद पर मैं कर घुमा के लाया हो। जाती जाती फिर जो ना भाई भी ना बोली, दुख ना उठेगो? देखो चाचा, दुख तो इन बातों को उठता मैं मानता हूँ, लेकिन चाचा इस बात में बिल्कुल भी झुटलाना ना कि ये कठोर स्वभाव की ना, बहुत कठोर स्वभाव की जनानी है ये चाचा। अभी परसों जो रुखसाना ने शाहरुख को भेज दिया नौकर ने छाए लेने, अब चाची रघुबीरी बड़े प्यार से उसको छाए दे देख रही, इसी भूल में उसने भेज दिया पागल ने। छाए के लिए पता क्या कह रही, पैसे ही कालो। कितनी कठोर स्वभाव की जनानी है। अब चाचा तुम्हें लगा पैसों में छाछ खरीदूंगा? जब ही मना करवा दिया कि जाना ना है नौकर यहाँ पे। मैं चाचा एक बात और है, तमाकू खा बे ये तमाकू में वो कुबेर पुबेर दाब रखा होगा, इसलिए ना बोली होएगी तुमसे। हमसे पूछ रहे ना चाहिए। सही कह रहा हूँ भैया, रास्ते में एक जगह मोटरसाइकिल रोकी या ना थूक आयो। बताओ बताओ चाचा तुम, जब उसने थूक लिया जब बात करके देखते तुम, तुम्हें सबसे गुस्सा लिया होगा, है ना चाचा? चाचा ये तो ये हाल है चाचा। देख रही है चाचा, इस तरह मुड़ मुड़ कर देख रही है चाचा। मुड़ मुड़ के ना देख मुझे, ये जमाना भूखे बल गिर जाएगा। और शिल्पा जी तुम्हारे याद में बुढ़ा जो तड़प तड़प के मर जाएगा। बहुत बढ़िया भाई, तू तो अच्छी राइमिंग मिला ले। बैठ तू तो कौम और है, बैठ। अब तू कैसे ही ऐसी विद बैठा जो मेरी ओर को ऐसे हाथ हला दे, तो मजा आ जा, जी मजी आ जाएगा कसम से। चाचा ऐसा तो कोई काम बचा ही ना जो खालिद ना करवा सके, तो तुम्हें पता ही है करवा दूंगा चाचा, पर देखो खर्चा लगेगा। खर्चा कितना समझो? खर्चा चाचा ये लगा लो, तुमने 150 रुपए का कटलाई काला, अब तो मैं पहली किस्त मांग रहा हूँ तुम्हारे चाचा। 10 रुपए ही खा लो इन्हों, दाल से खिलवा देंगे और क्या। 10 में हो जा खो। आज झोंक रहा देखता रहे हूं। काम हो जा आजा, जब परेशान मत हो तुम।
बेटे रुचि, मुझे लग रहा है बुढ़ा जो बुढ़ापे में सट्टा चुका। मेरी तुझसे जो इतनी सी गुजारिश है, तू मौसी शिल्पा को जो हो ना, इतनी सी बात कह दे मेरी तरफ से, चाचा श्यामलाल की तरफ से, उन्होंने जो ना ऐसे हाथ हिलवा कर हाय बाय करवाना। इतनी सी बात के लिए तू ना जो हो ना रजामंद कर ले किसी भी तरह। अच्छा तो तुम्हें पता ना वो कितनी गुस्सैल है, मुंह पे और भी चल जाएंगी। देख रहा फिर तूने करी ये वाली बावली बात ना करी है। सूखे हाथ जब तू किसी से कुछ कहवाएगी वो तो नाराज होएगा ही, कोई भी सही मुझसे ही कह लग, मैं ही झगड़ा कर बैठूंगा। तुझे जो होना उन्हों के लिए ये दाल सेव ले जाने, ये ले पहले उन्हों दाल सेव खिलवा, उसके बाद अपनी पेशकश रखना, तू मान जाएगी, परेशान मत हो ना। हटिए जरा लेता हूँ, हट। तुम्हें बाबा श्यामलाल की ओर को ऐसा हाथ उठा कर हाय बाय करनी है, यूं कहने को कही है चाचा खाली इतने मोह मासिल पासू। देख तुम्हारे घर की बात है, मैंने तो पहली बता दिया, फिर तुम उसे जिकंद करता डोलेगा। अब तू बता दे मुझे, जैसे तू कहेगा मैं तो वैस कर लूंगी। यू आखिर मैटर चल का रहो, मेरी समझ में ना आ रहा, बाबा और चाचा खालिद कहा करना चाह रहे हैं पतो निकालना पड़ेगा। अरे पुष्पा जो है वो दादी शिल्पासु नू क्यों करवाना चाह रही है, या के पीछे क्या कारण है? पुष्पा, ये पुष्पा कौन है? अरे पुष्पा इताई हुई है हमारे बाबा पे, ऊन रह जो हवा ब्याल जो रह हवा ब्याल का चक्कर है। अब यू हवा ब्याल का तो हवा ब्याल की ना पता, हवा ब्याल मतलब वो ऐसे रहे जैसे भूत 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 आ जावे हैं जैसे काई पे, ऐसे है वो। अच्छा रे ऐसा भी होवे। उन्हों है चेटा, उनकी 2-3 महीने पहले बुआ खत्म न होगी, जाको नूडी गोम में क्या अटैक पड़ गो अटैक। हम तो साफ जोन है सारी बात, अटैक वटैक कुछ भी ना हो, लीवर फेफड़े किडनी सब खत्म होगी उनकी, तम्बाकू ना खा कर रही वे, हमारी माँ लट पड़े कदी कदी उनसे, अब वे खत्म होगी 2-3 महीने पहले, तो माँ तो उन पर ही सके, बाबा भी परेशान कर रही। झाड़ फूक वाले बाबा दिखाओ, भभूत भभूत लगवा दो उनके, करवाएंगे झाड़ फूक को तो कह रही माँ, माँ कर रही है कई बाबा बात, पर तू जो हो ना जैसे चाचा खालिद ने कही है वैसे वैसे तन करती रही हो, कदी अब के पुष्पा बुरा मोंजार बाबा कोई दिक्कत बना दे। ठीक है तू कह रहा हो तो मैं कर दूंगी, चाचा खालिद ने ना वो दाल सेब दिए उन्हें खवाने को। दाल सेब दिए दिखाइयो। दिखा से एक दो मूंगफली के दाने लूंगा। अब सारे खा जाएगा। 2-3 ही तो लिए। बाहर तो खाली जा कंधा में दर्द रहने लगो। चाचा मेरी समझ में तो जो एक बात ना बन रही है, फिल्म में जो मैंने देखा वो दाढ़ी वाला इस कंधे को चुकावे ऊपर की तरफ को, तुम इस पे जोर मार रहे हो। कॉपीराइट का नाम सुनो, उठ सके तन देर में। हाँ देखो इजाजत रहती है तू इस कंधे को उठा और तू अलहदा किसी को उठा, सरकार की रहती है सारी पॉलिसियां जो भी है चाचा। बिगर बूझे ना उठा सके वहां मैं, कुछ भी कौन उनके जैसो नहीं कर सकते तू या हमारे। अब मैं यूं बता कैसे रही बात करी तन बात है? जायजा मैंने जो है जयकरण की लौंडिया से बात करी सीधी, जो मेरे भी हिम्मत ना पड़ी, कठोर सा बाब है बदतमीजी से बोल जा चाचा झगड़ा बनता बेमतलब का, इसलिए चाचा मैंने तो जो जयकरण की लौंडिया उसके साथ घूमती रह गए न्यार फूस के लिए जाती ना रहे उनों के साथ। हाँ। उससे ही कही भाई ये दाल सेव रहे, अब मऊसी शिल्पा को जाकर दाल सेव खिलवा दे, इतना काम करवा दे हमारा तो चाचा, छिपा हुआ कुछ ना चाचा, जो भी होएगा दाल सेवा का कमाल है अगर होएगा तो। हम भैया सही कह रहे हो, सब ऊपर वाले के हाथ में, अब तो कोशिश में कमी तैने भी ना छोड़ी है, पर चलो जो भी होएगा देखो जाएगा। चप्पलें घिस गई हैं चाचा, कोशिश की तो ये रही, मेहनत कर रहा हूँ तुम्हारे लिए चाचा, तुमसे लगाव मेरा इतना ज्यादा तुम तो जानो ही चाचा। आ रही चाचा आ रही है, सीधे से हो जाओ सीधे से।
खाले तू बैठ गई, मैं अभी आ रहा हूँ, तन हाय हेलो कर का हूँ। शिल्पा जी, एक्सक्यूज मी शिल्पा जी। क्या है श्यामलाल जी? अच्छा लगा ना मैं आपको? मुझे ना आप बहुत ही ज्यादा बुरी सिकल के बुढ़े लगे। तो फिर तुम मेरी ओर को ऐसा ऐसा क्यों कर रही थी? मैं आपसे बात नहीं कर रही थी ना, आप बावली काट रहे थे, इसलिए मैंने आपको ऐसे किया। बावली काट रहे हो? वो लगा तुम्हें दाल सेव ना मिले दीख है। वो दाल सेव आपने भिजवाए थे, मुझे तो बहुत अच्छे लगे। आप भी ना बहुत अच्छे हो। वैसे मुझे चाउमीन बहुत पसंद है। वे भी आ जाएंगे तो क्यों टेंशन ले रही हो? Oh, no. श्यामलाल जी, इसे हमारे वहां तक पहुंचा दीजिए। श्यामलाल जी, क्या हुआ? लेला आगे मोदल लेला। कोई नहीं श्यामलाल जी, एक बार फिर से कोशिश कीजिए। फोन में लगो रहेगा बता जो। अरे तो बाद में का होगा? जैसे तो पता ही ना कटलाक होगा, अनजान बन रहा। कटला वादिन छराने को लेके गयो मैं, उन अब गर्मी पड़ रही, चल तो लिए गर्मी पड़ रही है। न्यू कह लगे हमें जो नहर में नहवा दे, वो पर मन नौकरी गई। सच बताऊँ मैं तुम्हें, अब बहाव तेज हो, जो कटला है ही शरारती सो, बीच नहर में जा कूदो। मैं निकलो चल ले, खड़ा हो, बुक चाल या खरक में उतन, चल रहा हूँ मैं। ठीक है बाबा जी, लेकर आ रहा हूँ। हराम ज्यादा न्यू कह रहा, पहलिक सो मेरे पीहर ते आयो, मैं सारे कर्म जोड़ू तेरे बेक खायो होएगा। झलक शिल्पा, ओ शिल्पा तेरी झलक शिल्पा। उतरी क्यों नहीं तू, उतरना है तू। तेरी झलक शिल्पा, ओ शिल्पा वो बहुत अच्छी लगे तू शिल्पा। शिल्पा जी आइए ना, अकेलो अकेलो कब तक डांस करूंगा मैं। तेरी झलक शिल्पा, ओ शिल्पा तेरी झलक शिल्पा। क्यों आगे पीछे डोलते हो भबरों की तरह, क्यों आगे पीछे डोलते हो भबरों की तरह, क्यों मुझको घूरते हो बेसब्रों की तरह,
क्यों आगे पीछे डोलते हो भबरों की तरह, क्यों मुझको घूरते हो बेसब्रों की तरह। तेरी झलक सिल्पा उस माँ आपकी तो लैट्रिन में चप्पल सन गई। अरे सुनो तो सही शिल्पा जी, अरे मैं साफ कर दूंगा चप्पल है तो। ये कौन लैट्रिन फुक गए हो क्या, कौन कर गया चप्पल और सौंधी। घर घर में लैट्रिन पड़ रही है, यहाँ आकर चौड़े में कूड़ फुको पता ना। ए चाची कली पी रही हो? हम बे माय फ्रेंड रुक्साना, आजा बैठ। ए चाची मैं बैठ तो जाऊं, पर मैंने तो एक बात सुनी है। आपके कहा सुन ली तेने? मुझको जमीला बता रही है चाचा श्यामलाल को कोई परेशानी बन गई है। कहा बताऊं बीबी रुक्साना, एक पुष्पा नाम की है, वो परेशान कर रही है। हमारा त्या बुढ़े ना जो है ना कदी का कुछ बिगाड़ा भी ना है, कहा देख ले बुढ़ापे में दबाया आए के। ए तो दिखलाओ चाची किसी को, किसी तांत्रिक वांत्रिक को। तांत्रिक का तो जब दिखाओ बीबी, जब कोई मेरी सुनता हो, सुनने को तैयार ना हो कोई मेरी तो। लुड्ढो तू ये बैठ के बात न बना रही है, तो कोई काम धंधा ना दिखे, झाड़ू मार दी खोरन में। मेरे थर्ड टाइम ना कर ले अपने आप। बुहारी कहो तो बुहारी बता मो। बुढ़े अंधा होगा दीख है, यू धरी हंस के पेड़ धोरे। अरे तो लुड्डो तो पता ना है मेरी मजबूरी, पुष्पा पुष्पा बाज झुकू ना कथा भी। देख ले बीबी रुक्साना, ऐसे परेशान करे ये पुष्पा हमें, दिए ये जाके जब हारी यतन, मैं तो यहाँ के धोरे जाने में भी डर लगे हैं बहुत, मैं तो जाऊँ ना हूँ। या हाथ में पकड़िए, या मैं ये थोड़ा भीजी है हाथ। तेरी झलक सरफी और शिल्पा लुड्डो लुड्डो तेरी झलक सरफी ओ लुड्ढो, तेरी झलक सरफी ओ लुड्ढो। चाचा तुम्हारा पूरा मामला जो तैयार कर आया हूं मैं, आदमी गुंडा रेडी बिल्कुल रेडी बैठा तुम्हारे काम के लिए। वाह मेरे दोस्त, मेरे जिगरी, मेरे जिगर के छल्ले, तू मेरी जान है। अब पुष्पाबाज फ्लावर नहीं फायर बनेगा, मैं पूरा भरोसा है तू यह काम कर सकता, देख ले कर दिखाओ। अब चाचा इसी बात पर लाओ एक बीडी तो पिलवा दो। यार खालिद तू हरदम बीड़ी मांगता है, पीता मैंने कभी देखो ही ना, करे कहा तू। चाचा जाफर ले लो जरा पकड़ो, चार मंडलों की बीड़ी है, इसमें पैसे ही कालो फटाफट। चाचा ये क्या दे रहे हो तुम, है 30 रुपल्ली पकड़ा रहे हो, चार मंडलों की बीड़िया दी है मैंने और 3 मंडलों के पैसे दे रहे हो तुम। अरे भैया तू ब्लैक में तो बीड़ी बेच रहा है, जो दे दिया उनको रख ले। लाओ तो लभाओ में तो एक बीड़ी दो चाचा। अरे अपनी हराम खोरी से बाजना होगा भैया, बीड़ी ले चले जा। चल रहा हूँ मैं, अगला स्टॉप जल्दी पहुँचाऊंगा। पल्ले रिजक नहीं बांधते पक्षी और दुर्वेश, जिन्हें भरोसा रब का है उनको रिजक अनेक। अब कहाँ सोचन लगो, ला बीड़ी। अब भाई तू जाने बेकता था ना, कल से इल्जाम लगा रहे हो चाचा, देख लो फिर तुम उल्टी बात करो ना करते हो, बेकता का एक हूं मैं चाचा, मैं जरूरतमंदों को दे देता हूँ दान में,
जन सेवा कर रहा हूँ, समाज का कल्याण हो रहा, इसलिए दे देता हूँ, जिसे जड़ से पिलवा देता हूँ, ले भैया पी ले। ये चाचा, और इससे बढ़कर कोई बात ना। चल जन सेवा तो ठीक है, पर मैं यूं बता, या पेड़ काटने की शुरुआत कहाँ तक करें? चाचा, इस धंधे की शुरुआत के लिए मैंने जो आदमी के खेत में पेड़ देखा, सूख कर उसका दमिकला पड़ा, पेड़ का जरा भी सांस ना हो उसमें, उस पे एक बार निघाई काल लो तुम। निघाई कहाँ काल नेवा में कटवा दा फरेकू। कटवा ले चाचा, कटवाना तो तुम्हें ही, जो लकड़ी का धंधा करना, इसमें मार काट तो चलनी है। अपने पोते को बुला लो, मुझसे तो कटे ना, मेरे तो पहले से ही वो हो रहे हैं सफेद सफेद, जो हो जाते हैं, क्या रहता है, छाले पड़ रहे हैं। बुलाओ पोते को, कटवाओ छाले को, और क्या। भाई तू तो न्यू कह रहा, पेड़ जो सूखा पड़ा हो कतई, यहां तक जो आने हल्की फुल्की अभी तो। भाई चाचा देख लो, करो तुम बावली बातों को ना करते हो। जब कोई भी पेड़ अपने अंतिम वक्त में रहता, उसके दो चार दिन रह जाते हैं, तो हल्की चुनक मुनक उसमें निकल आती है। चाचा हमारे दादाओं के दादा भी इस पे जो डेढंगा खेले, हजारों साल पुराना पेड़ पड़ा, आइए नुका जी, ये हरियाली दिख रही है तुम्हें इस पे। उल्टी बात करे खुरो चाचा, हल्की सी हवा का झोंका पड़गा ना इस पे, गिर जाएगा ये भी ना काटेगा तो वैसे मरा पड़ा है पेड़ तो बेचारा। बाबा अगर आदमी पता लग गई ना, भगवान कसम बहुत मारा गो। तू बावड़ा था ना, तो पता तू सोमलाल का पोता, आदमी उठा उठा के पटकूंगा, पता ना कैसे बावली बात अन्न कर रहा, मार पलकठी। बे देख क्या रहा इधर उधर को, बे मार पलकठी, मारता क्यों ना तू, मार पलकठी, बे मार पलकठी, मारता क्यों ना, मार पलकठी, मार पलकठी, मार पलकठी, मार पलकठी, मार पलकठी, मार पलकठी, ऐसा तो मार ही देगा, इतना बढ़िया तो है ही का, इतने प्यार से कहोगे तो पलकठी मार ही देगा। मारा जो पलकठी, या चप्पल मारू दाब के। मार रहा हूँ बाबा, मार रहा हूँ। सॉरी पेड़ जी, मेरे बाबा कर रहे हैं, नहीं तो ये मो पीटेंगे। ओए, तेरी हिम्मत कैसे हुई पेड़ काट लगाने की, तो पता किसका पेड़ है? अरे हिम्मत की बात मत कर तू, जोम खड़े हो जा ना, बहुत जोम लग जा जोम। अरे ढोर, फिर रोड से अलग खड़ा होकर ना जोम लगने कोई ना। अरे मैं ऐसे ना कह रहा, मतलब वैसे। वैसे कैसे? अरे भैया तू है सूद आदमी, तू ना समझा जाएगा मुँह पे, तू तो जो ना सोच तक ऐसे वैसे कैसे यही मलझाए रखेगा मुँह पे, हाथ जोड़वा ले, मुँह पे ना समझा जा तू। ए चाचा पोता तो तुम्हारा मजबूत पड़ रहा है, दबना रहा जरा भी, मुजोरी जो बरबर कर रहा है ये तो। दबी कैसे जाएगा, वही दिन तो लोनी घी खवा रहा हूँ, मजबूत है वैसी थोड़ी है। मैं ये तो चाचा आदमी ने हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए जरा सी देर में। अरे भैया ऐसी चले करे, कभी उतार कभी चढ़ाव, कभी किसी को पलड़ा भारी, कभी काई को, आज आदमी को पलड़ा भारी है थोड़ा सा। देख लो चाचा तुम करो बावली बातों को ना करते हो, ए अपनी पुष्पा बाजी जाकर दिखाओ ना, यहाँ पे हालात भी है माहौल भी है। तू बावड़ा तो ना, यहाँ यो ना मारू मैं, यहाँ आके घर जाके मारूंगा। अब मैंने यहाँ तोड़ो तो का ये कहा जांच पड़ रही है, कब पुष्पा बाज ने जो आदमी मारो, या के घर जाऊंगा, और या बीच गोम में जाकर जब तोड़ूंगा सबके सामने, जब ही तो मेरी भय बनेगी, जब ही तो चार आदमी डरेंगे मोते। चलो जाते, हम तो चाचा यही कह रहे, तुम्हारा पोता किल्ला रहा, हमें तो आ रहा था तुम्हारी पता ना। बाबा रुक जाओ, बाबा चाह तो लाइन पैसो, बाबा रे बाबा 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 बाबा
मारपीट हो गई और तेरा मजाक ना खत्म हो रहा। अरे मैं इसलिए नहीं हंस रही, इसके साथ मारपीट हुई है। मैं तो इसलिए हंस रही हूँ, इसके बाबा पे ना कोई पुष्पा नाम की लेडीज आ गई है। अरे वो हवा बियाल हो वे, तेरी समझ में ना आ गई अभी। अरे रुचि ने कहा मतलब पड़ो किसी की परेशानी सु, इन्हें तो दौत फाड़ने और मजे लेने। अरे पागल में मजे नहीं ले रही, मैं तो इसलिए हंस रही हूँ कि तुम पिटते रहे और तुम्हारे बाबा खड़े होकर देखते रहे। अरे अभी तो पता ही तो ना, मेरे जो बाबा संत खड़े है ना वहाँ के पीछे बहुत बड़े आने वाले तूफान को इशारा है। अरे चेटा तू बाड़ू पाड़ रहा, गुस्सा उतार रहा, आराम से पार्टन ना। यार गुहेरा आज गर्मी बहुत हो रही है, देखिए तन्ना की हवा ना चल रही, जैया बीजा सु बीजा लेगा। बे जनाब हर बे बीजना कहाँ को मंगवा रहा तू, तेरी गर्मी कालने के लिए तो खुद तूफान चल के आया ना पे। तूफान? कैसा तूफान? पुष्पा पुष्पा बाज जो को नाऊ का ताई भी चाचा जरा पैर ले जा को हटेंगे, 10 रुपए पड़े दी। जय जय गलत बात है तुम्हारी यार, 10 रुपयों के लिए अपने उसूल भूल गए तुम, झुक गए हैं। मंडल आएगो दोनों उनको कौन चलाएगो, समझे रहे बात कंधा। है भाई मेरे घर पे इस तरह की बदतमीजी करने का कारण पूछ सकता हूँ? नहीं। हाथ जो करे आगे खू। चाचा यार कारण तो बतलाना पड़ेगा तुमो, वरना मामला आगे कैसा बढ़ेगा ये? थोड़ा बोले कर थोड़ा, पुष्पा तू है मैं हूँ। चाचा पुष्पा बनने में तो ना कोई बहुत बड़ी रेल चलानी, यो हम भी बन गए पुष्पा, इसमें क्या? नीचे कर ले नीचे को, ऐसा कॉपीराइट ठोकूंगा। अति फड़ाऊ तो पुष्पा। हाँ तो आदमी गुंडा रेड्डी जी, वो तुम एक बात बताओ, तुमने मेरे पोते अमन भाटी पे मारपीट करने की हिम्मत कैसे करी? हिम्मत? ए चाचा भाई ना मेरे पेड़ काटो, मैं वहां पीटता ना तो वह क्या हाथ उतारता मैं? आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उससे पेड़ काटने के लिए मैंने बोला था। तो चाचा पीटने को कौन तो तुमने कराओ, लेकर आ चेटा लाठी ला भी तरसो। रुक जा रे रुक जा, खाली समझाइयो तन। बेटा आदमी तुम्हारे जो पिता थे चौधरी व्यक्ति सिंह, वे मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे बचपन के, हमारा जो है ना तुम्हारे घर तक आना जाना है खूब बढ़िया एकदम। अब तुम जो बेटा मोबा हाँ हाथ तो उठाओगे तुमको ही, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें यही शिक्षा दी है। मैं भी तुम्हारे बाप की बराबर हूँ भैया। चाचा गलत कह रहे हो ये वाली बात, तुम इसके बाप की बराबर तुम हो कैसे जाओगे यार है? उल्टी बातों को करो, माहौल बना रहे होगे, इसका बाप जो ना इससे भी इतना इतना निकलता है, इसके बाप की बराबर कैसे हो जाओगे यार तुम? इसके बाप के तो तुम ना तक आओगे घुटनों तक, नुका जी बाप का बराबर है, बाबली बात तो करो चाचा, गलत है इस तरह का गलत व्यवहार न करना तुम आदमी के साथ। चलो आदमी बेटे उस बात को भूल जाओ जो बात हुई पुरानी,
अब नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। जायजा गलत कह रहे, ये पुरानी कहां से होगी ये बात, कल दोपहर में तो इसने तोड़ा ही है उसे बेल्टों से। यार थोड़ा बोल ले, थोड़ा रात गई बात गई, चल फरेकू चल। न्यूकू आजा न्यूकू, दिख न रहे हो अखन में खून है, धो देगा पकड़ के। भैया चौधरी व्यक्ति सिंह से जो ना हमारी राम राम कहियो। हाँ कह दूंगा। अरे भाई आदमी तुमने बहुत गलत भेजा बुड्ढा, इसको तो आज निमटाई देते। सही कह रहा चाचा जी, निपटाई देता तो बचको पर। भाई खालिद उल्टा चल, यू तो फ्लावर समझ गो मो। चाचा मैं तुमसे जबी ना कह रहा, ये लातों के भूत है, बातों से काम आनेंगे, झेपटे लगाओ इन्हों में हम आंसा जाओ। तू चल आगे रहो यार, तुम ही तुम्हारा झगड़ा मेरा क्या मतलब आगे चलने का। अरे ओ काले कहा कह रहो, जिंदो गलत जान दियो यो, यो, यो। और चेटा तू भी पूरा साथ दे रहो है तो ये प्रसाद देंगे और एक बार पहले। तू भी कैसे मारो यू, कैसे मारो यू, बहुत अच्छा सवाल तेरा। उरकवा ऐसे मारो यू। पुष्पा नाम सुन के बीरबल नहीं समझ रहे होएगा, फायर हूं मैं फायर। चाचा चाचा क्या परेशानी बन गई तुम हो चाचा? ये अपनी बंदूक उठा लियो काले। चाचा से कहूं मैं ऐसे गोलाबारी से दूर रख लू, तुम्हारे परिवार में सच्चता ना आए। गेरिया में बात हो, बता क्या कह रही फिर कहियो। मैं यूं कह रही, मैंने एक बात सुनी है। अब क्या कहा सुन ली? सुन तो सही, जब दुश्मन खतरनाक होवे तो वहां तक दो कदम आगे चलना चाहिए। अच्छा वाका आगे चलता रहो जैसे कहीं जा रहा हो तो। अरे बावड़े, मतलब जो हमारे बारे में गंदा सोच रहा हो ना, गलत सोच रहा हो, हमें मारने की सोच रहा हो या हमारे ऊपर प्लान बना रहा हो कोई, तो वासु ज्यादा सोचो। आगे का मतलब दो हाथ आगे सोचो नू कह मा। अच्छा अब तो पता ही है शिल्पा कहे मार रह रही है या रघुबीरी धोरे ना मा। यू तो मो ना पता मारी नहीं मैंने, रघुबीरी बिटोड़ा दे दे के। माँ एक बात और बताऊं तो, ये जो दादी शिल्पा ना मैं नू सुनी है, माँ गंदो कर रही मो कि यू जैसे ही माँ रघुबीरी जब वे आ जाएंगी ना होश में और वे नू बता देंगी किसने मारी वे बिटोड़ा दे दे के जैसे अभी तमने मारी, तो ये जो है वह निमटाती गई है जनमारी, मतलब तुमको बता रहा हूँ तुम पहले ही। अब मैं यही मारे तो चाल चल रही हूँ, दो कदम आगे की, अब वाके मारने से पहले चोट पहुँचाने से पहले मैं शिल्पा क्यों ना मारूं? निमटा दमा सही कह रही है। अब एक काम कर तू, जयकरण की लौंडिया रुचि वहाँ जाए के समझा, अपनी बातन में उलझावा, वह शिल्पा लेकर आएगी बिटौड़ा धोरे को और हो जाए के मैं वहाँ धो दूंगी। अरे माँ जयकरण की तो पता ना पूरी रिश्वत खो रहे, छोटे छोटे काम करने की रिश्वत मांगे हूँ, बताओ ना कितने कंचा हत्या लिया ऐसे मोसू पर। चल माँ तेरे मारा करना पड़ेगा, देंगा वहाँ 10-5 कंचा को लालच। अरे
तेरी माँ क्यों पढ़ रही है दादी शिल्पा के पीछे? क्योंकि माँ शिल्पा पढ़ रही है हमारे बाबा के पीछे। दादी शिल्पा? तेरा बाबा पढ़ रहा दादी शिल्पा के पीछे? दो वाली बात याद ना चाचा खालिद के हाथ दाल से भिजवाए न्यू करवाने को बस। अरे मो तो पता कि बाबा पढ़ रहे हैं, पर हमारी माँ भी कोई समझाएगा। अम्मो सु कहा चाह रहा तू? बस मैं तो इतना सा चाह रहा हूँ तू कैसे ही दादी शिल्पा पटा के बहला के फुसला के हमारे बेटोड़ा धोरे लिए यो तू। मेरी माँ को पर्सनल मीटिंग करनी है उनसे। चल ठीक है ले आऊंगी, पर याद रखियो 10 कन चलूंगी पूरे। 10 काय के लेगी तू? 4 कंचा तो परसों रह गए सोंच को जब तू हार गई। मैंने दिए नहीं तो 4 कंचा। बेईमानी करती रहे छोटे छोटे से कॉमन को इन्हें डीलिंग चाहिए। नू नाले इतनी दूर से हार थकाए का नार दे दे किंगा लग रहे हैं। छोटे हरो तुम पे यही काम रह गए। ऐसी करें हराम ज्यादा रुक जा तेरी भी देख देख टाइम मांग रही है। खालिद न्यू लगा ले जैसे ही मैंने फायर करी है ना अब भी दर्द है वैसे। जैसे ही मैंने फायर करी है ऐसे लगी सोमलाल तू तो गयो तेरो तो दम लिख सो भाई निठनी बचाऊ ओखन आग जो है ना अंधेरो अंधेरो छाको। भाई चाचा नीति तो वैसे तुम अपने आप ही करो बताओ कंधे पे रख के बंदूक कौन चलावे यार गर्दन टूटेगी ना टूटेगी इस तरह तुम्हारी। यार खालिद गर्दन कहा यार बस पूछे मत ना मुँह से लग रहा हूँ नाड़ में बाड़ा को दिखे दर्द हो रहा बहुत ज्यादा। नाना चाचा बाल ना आए कैसी बात करे खरो यार तुम। ए बाल आ जाएगा तुम्हारी गर्दन में तुम्हारा बोल निकल रहा बोल ही निकलने कहा तुम्हारा। अरे तो मैं किससे बतला रहा हूँ मैं तो तोई तो मन फेट के बतला लूं तन बस और कहा। नाना चाचा ये बात तो देखो मैं तुम्हारी मानता हूँ मैं भी तुमसे अलहदा किसी और से मेल झोल कहाँ रखूँ तुमसे ही रखता हूँ जरा बहुत मेल झोल मेरा भी। यार यू आदमी भी जो ना बेकार आदमी लिख रहा मजा ही ना आया यार कतई भी। अब चाचा कितना मजा लेना चाह रहे हो यार उसी दिनों से तो तुम मुझे पागल बनाए फिर रहे हो और मजा लेना तो आदमी के घर में विकांत का पेड़ हैगा उसे काट लो तुम। नहीं 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 अब बकौंत का पेड़ नहीं काटेंगे अब मेरे दिमाग में एक आइडिया और है अब काटेंगे हम चंदन के पेड़। चाचा यार तुम बाबली बात तो क्यों करे करो चंदन के पेड़ काटोगे यार ये पुलिस केस ना बन जाएगा। अब नहीं मानूंगा भाई कतई नहीं मानूंगा पुलिस से ही पंगा लूंगा अब तो मैं। चाचा आज तक तुमने किसी की मानी तो है ही ना करते तो तुम अपने जी की ही हो ये तो मैं जान रही हूँ तुम्हारी हरकतों को। अब चाचा अगर तुम हो पुलिस से भिड़ना तो देखो इस वीडियो की लंबाई पहुंच गई है वहां तक जाते ना पहुंचनी चाहिए सबके घर में काम रहते तुम्हारी तरह कोई ठाली ना सबको पुष्पाबाज बनना ना चढ़ रहा नुका जी मैं पुष्पाबाज बनूंगा बच्चों से उनके घर वाले लड़ पड़ेंगे यार मानते क्यों ना हो तुम। अब तुम्हें अगर पुलिस से भिड़ना और पंगा लेना देखो मैं तुम्हारा साथ दूंगा क्योंकि मैं तो फंसा पड़ा हूँ मेरे तो असूल है तुम्हारा साथ देना दोस्ती जो निभानी है। तो चाचा पुलिस से भिड़ना तो अपने पोते से बात करके अगला पार्टिकल वाले इस वीडियो का फिर। चल तो करता हूँ अमन से बात मैं करूँगा आज ही। अब मैं चल रहा हूँ चाचा तुम्हें पता ही है रुखसाना झगड़ा कर बैठेगी घर में 2 दिन ऐसा गया ना परेशानी बन जाएगी चलो निकल लो नहा से। चल तो चल कूद। चाचा तो ऊंचाई यार इतनी ज्यादा कूदा जा रहा नहा से देख तो सही निंगे को कहो ऊंचाई कितना दिया धक्का। चाचा यार ये कैसे जिनावर बनती करे करो तुम बतलाओ है अभी कंधा उतर जाता मेरा यार ऐसे मजाक होते नुका हवा प्याल आओ अभी घर को। यार इस तरह थोड़ी होता बदतमीजियां करते हो तुम यार। माँ जी आगे दादी शिल्पा तैयार हो जाओ तुम रुचि। पहले तो दादी शिल्पा पाम छुई छुआ बेटा माफ करना दादी तुम्हें यहाँ से आगे को अकेले जाना पड़ेगा रुचि तुम्हारी गैल नहीं जा पाएगी क्योंकि मेरी माँ दादी शिल्पा की गैल पर्सनल मीटिंग करना चाहती हैं। दादी तुम जाओ माँ जी बिटोड़ा धो रही हैं। ऐसी भी क्या पर्सनल बात है जो मेरे आगे ना हो सके। अरे मेरी माँ दादी शिल्पा जो इंतकाम लेंगी कभी तेरी दादी को इंतकाम निकल जा।
बात बनानी है तुम्हें तो पता कुछ है ना दीन दुनिया की, कहाँ चल रहा हो दुनिया में। मेरी दादी की चतुराई पर ताकत पे जिंदगी में भी सकमत कर जाइयो। तक की कह रहा हूँ अभी देख लेंगे, देख का हाल होएगा तेरी दादी को। अरे देखती रह तू, अभी दादी सिल पर ऑल मचाती आएगी। हाँ मुझे बहुत मारा भैया बचा लो। कभी तेरी दादी आवे मन में दम बचा ले मेरी हाथी टूट गई। भाई यही संस्कार सिखाए तेरे मम्मी पापा ने तो, मुंह बना रही है बूढ़ी हाथ मन कहा बोल रही हूँ कहा नया बात को सहूरी नो ले ली तो देगा कंचा कंचा अनकु राजी हो रही ना ले लीजा। छाए को आ जा सुबह सुबह डिब्बी टॉक का मारे और हमारी माँ को ऐसी बात ना बना रही है। Check the mic and make sure it sound right, boys. Didi nu talk ke tharo. Didi main ta mazak kar rahi. रोकी बेटा भाग, मैंने बुढ़िया को निपटा दिया। माँ माँ चुप हो जा। कहाँ उतनी गायब? वो तो भगी माँ जिंदी है तू माँ। और का मैं तो बेहोश होने की एक्टिंग ना करती ना, वो तो ही निपटा देती आज। पूरी माता ने बढ़िया काम करो समझदारी का, भगवान कसम मैंने देखो माँ शिल्पा पे तो खून सा बहा रहा आज। मैं कह रहा हूँ यहाँ से पंगा मत ले, मैं पड़िया चक्कर मार चल, मैं ले चल रहा हूँ। तो आज तो बेटा निठन बची हूँ मैं, एक फेरा तो गेंद की तरह उछाल दी। माँ मैं तो नहीं डर रहा, नू कह रही रुचि सु कि मैंने की माँ निमटा दी। बुढ़ा बाबला होगा ये मरवाएगा देख ले, तिमंजली पे खड़ा ना। चाचा मुझे लग रहा तुम्हें पागलपंती का कोई कीड़ा काट का दीख है। पागलपंती को कीटाणु नहीं काटो बेटे, सोमलाल की रातों की नींद उड़ चुकी है। चाचा अब क्या परेशानी है, अब क्या रहेगा? अब तो तुमने शिल्पे के साथ में तेरी झलक शिल्पे वो भी कर लिया पहले वाले पाठ में, और दूसरे में तुमने आदमी के पेट भी काट डाले, अब क्या रहेगा? आज नींद ना आ रही है तुमो। अभी तो असली वार रह ही रहे है, जा कोई जनता इंतजार कर रही है। अब काटूंगा मैं चंदन की लकड़ी। देख लो चाचा, मानते हो तो तुमो जो कट्ठे की लकड़ियां कटवा दूंगा। हमारे जंगल में सी समय सूखी पड़ी है, उनको काट ली हूँ। चंदन के पीछे पड़ रहे हो चाचा, खामा खा जो पुलिस का मामला बनता डोलेगा। अरे यही तो मैं चाह रहा हूँ, पुलिस आवे और पुष्पा बाद जो अपनी पुष्पागिरी दिखावे। देखो चाचा, हम तो तुम्हारे साथ में शिल्पा जी के साथ भी रहे नूंगे तेरी झलक शिल्पे, और दूसरे वाले मामलात में मैं तुम्हारे साथ पीछे इसमें भी ना हटने खाऊं। जाग से कुछ भी हो जी चाचा, दोस्ती है देखो तुम से। पर चाचा उम्र का भी यार लिहाज करे करो, माने करो बात हुई यार। कतई भी न मानू, कल सुबह 11 बजे तैयार रहियो। जिद्दी तो ऐसा हो रहा बुड्ढा जैसे 6 साल का लौंडा ही हो। हरम गैरत तो है ही ना, जब ही तो तुम्हारे पोते बैठे ही नो के ना हो रहे निका। बाबली बातों को इतना करे बुड्ढा। अबे फन्ने खा, जब तू इतना ही बड्डा रहीस है पुष्पे बाज तो ना सिड्डिया ना बनवाई जा रही है। यहाँ तक कूद जा, जल्दी पहुंच जाएगा। शेखिया बखेर रहा वहीं से खड़ा खड़ा सिड्डिया बनवाई ना जा रही है। चढ़ने में इतनी मुद्दतें लग गई मुझे, तब उतरा कैसे जाएगा ना से? तो को बनवाऊंगा सिड्डी सहजादे।
बे यार आदमी ये लगा ले, मैं चचा श्यामलाल से इतना परेशान हो चुका हूँ, बुढ़ा रोज रोज नई नई स्कीम बतला रहा। वो लगा है बुढ़ापे में सटिया को दिखे। बे देख रहा किसी दिन मुझे अच्छा ही लदवा देगा ये। अब क्या कह रहा होता सू? बे अब की दफा कह रहा नु का मुझे चंदन की जो लकड़ियाँ काटनी है। पुलिस तो बहुत मारेगी फिर। बे इसीलिए तो घबराहट बन रही है यार मुझे। अब तू ही बता मैं ऐसे में क्या करूँ यार। तो बावड़ा क्यों हो रहा हो? तो पहले आगे बता देना फोन करके कि भी आप मेरा कोई हाथ ना हो। ये बात सही फरमाई है तूने। ले फोन दे जरा, तू फोन करता हूँ मैं यार। ले अभी मिलाऊं फोन। मिलको 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 ले बात कर। हाँ आदमी जी। मैं आदमी ना बोल रहा भैया, आदमी ना बोल रहा, खालिद बोल रहा हूँ। अच्छा खालिद जी बोलिए। अब समझ लिया तूने मामला? यही मामला चल रहा भैया। देख मैंने तुझे जो पहले ही बतला दिया, इस गुस्ताखी में मेरा जरा भी हाथ नहीं है। सारी जिम्मेदारी जो चाचा श्यामलाल की है। कभी तू बाद में कह बहनू का खालिद तूने मुझे बतलाया तो है ना, इसलिए मैंने भैया तुझे बतला दिया पहले ही। अच्छा खालिद जी आप चिंता मत कीजिए, श्यामलाल जी का इंतजाम मैं करता हूँ। बता बे आदमी कैसी रही? यूं कराओ तन दिमाग का काम आज, अब तू बिल्कुल सेफ होगा। अब ऐसा है आदमी मेरी बात को जो गार से सुन तू, कल को चाचा श्यामलाल जो चंदन की लकड़ियों को काटेगा, देख तुझे भी साथ में चलना पड़ेगा यार। मुझे चलना पड़ेगा? मेरा कहा मतलब जाने को? देख रहे करे बाबली बातों को ना करता, बे दोस्त ना तू मेरा। तो दोस्त तेरा हूँ मैं, श्यामलाल का थोड़ी हूँ। बे बेकूप इंसान तू मेरा दोस्त है, मैं चाचा श्यामलाल का दोस्त हूँ, तो दोस्तों के दोस्त दोस्त ना रहते हैं बे क्या? अरे खालिद तुम अपने बालक पालन दे, कौम वो फसाया जंजाल में। मैं जिनावर मुझे भी बालक ही तो पालने अपने, इसीलिए तो इन मामूलातों को करता डोलता हूँ मैं। अंधेर नकली थाने थे दरोगा 75 सिंह स्पीकिंग हियर। 75 सिंह जी हम चंदन बोल रहे हैं। हाँ बोल भाई चंदन। 75 सिंह जी वो चाचा श्यामलाल हमारे भूट वाले खेत पे लकड़ियाँ काटने जा रहे हैं, वो भी जबरदस्ती। ठीक है भाई चंदन, इब तू फोन काट मैं देखूँ इसने। ठीक है दरोगा जी। अरे 74 सिंह तैयार हो ले, आज श्यामलाल की श्यामत आई है। ओके सर। इनो चाचा लेदा लेदा कर दो दोनों को। मैं बहुत बेहतरीन शॉट था चाचा, रुक जाओ चाचा इसको निपटाओ। अब चाचा मेरी बात सुनो तुम जरा गौर से, तुम आज वो सटीक निशाना मानना ना, पे मैंने निशान मार दिया इस लकड़ी पे है ना, निपटाओ इसको बीच में से निपटाओ। या थूता परे को जो कल्ले में निशान तो चुक गया तो खोपड़ी के दो हो जाएंगे। बहुत बेहतरीन चचा, बहुत बेहतरीन यार, तुम तो बढ़िया लकड़ हारे हो चचा है। चाचा मुझे लग रहा पुलिस आ गई दीख है, सरसराहट सी हो रही है कुछ इधर से चचा। फिर तू घबरा काहे को रहे हो पुलिस ते, जो मैंने तो स्कीम बताई वह अपनाई हो तू बस। चाचा स्कीम को तो अपना लूंगा तुम्हारी को, इन जंदा सबूतों का क्या करोगे देखियो, इनो का क्या करना, इन्हें कहाँ छिपाओगे? इन्हें इनको भी इलाज है को, इन्होंने अपने पजम्मे में एडजस्ट कर लीजो। हाँ भाई क्या करने लग रहा है? भाई दरोगा जी देख लो करो बाबली बातों को ना करते हो तुम, एक हाथ में तो मेरे में घास है, एक में दराती है, बकरियों के लिए घास काट रहा हूँ दरोगा जी। ब
बकरे को घास लेने आया था तो इस कुल्हाड़ी का क्या रोल है? कुल्हाड़ी का रोल हम बताएंगे दरोगा जी। जैसे हम घास काट रहे हैं, तनसे से मुझको कीड़ा कोटो गिंडार लिकड़ी आई, मारनी पड़ जाएगी। अब दरोगा जी गिंडार की जो नस्ल पर डिपेंड करेगा, अगर गिंडार जहरीली हुई और हमें नुकसान पहुंचा सके काट दूंगा नाड़, और लगी हमें कभी सूदी सी है लिकड़ के जा रही है और न्यू को झोंकी भी ना छोड़ दूंगा। सर मुझे इस बुड्ढे का दिमाग ठीक नहीं लग रहा आज। सर मेरी बात मानो तो यहाँ से चलो, बुड्ढे पे कुल्हाड़ी है आज। हम भैया दरोगा सही कह रहे हैं बालक, चलो जा। सुन बुड्ढे, तेरी उम्र का लिहाज करूं वरना तेरे जैसों को जहर निकालने में ना एक मिनट लग गए है। ओ भैया तुम होता था मुंड मारे मत ना, मेरी हो रही है तबीयत खराब, मेरे दोस्त से बात कर, वो बताएगा तो जहर कैसे निकले। हाँ रे तू सुना। बेइज्जती हो गए साहब, एकदम बढ़िया अपना तू, आप सुनाओ। कहाँ कह रहे है वाके जो तू कल कह रहा हो मैं कह लूंगा। देख ले चाचा करे बावली बातों को ना करता, मैं क्यों कैडा लेता इनो, मैं तो कानून का जो सम्मान करता हूँ। चाचा इनो का सम्मान करना चाहिए हर इंसान को, समाज के रक्षक होते हैं ये तो। बुड्ढे ईब सुन मेरी बात, सुधर ले जितना जल्दी हो सके, वरना तो निमटान खातिर ना गोली भी खर्च को नहीं करनी पड़े। तू तो इसकी आवाज से निपट जाओगा। दरोगा जी तो थारो बहम है, जिन गोली तो बात कर रहे हो ना ऐसी गोली में ये सोमलाल पूरी जिंदगी खेलो, पुष्पा बाजू में झुकू ना कतई भी। बुड्ढे आपकी उम्र का लिहाज कर रहे हैं, अगर ये बात इन्होंने बोली होती ना तो पुष्पा बाज झुकता भी और नाचता भी। बे भैया कुछ टेबल मुझे क्यों फंसा रहा यार, मैं तो कुछ कह ही ना रहा, मैं तो बराबर सम्मान कर रहा हूँ यार। ऐसा मत कर बे यार कुस्टेबल, फिर से सलाम कर दूंगा मैं तो यार। श्यामलाल जी कान खोल के सुन ले, यो तारी आखिरी गलती होनी चाहिए, ईब के बाद कोई गलती सुन ली ना तो नंगा कर दूंगा। और तू क्या पुष्पावाज बना फिर है, इस कंधे ने नीचे कर ले। ओ इस कंधे ने नीचे कर ले, अकदबांग घोड़ा। नीचे को हट जा, नीचे को। बंदूक का दीवान जी के हाथ में उनकी बात काट रहा तू, नीचे को। परवाह को दीवान जी, हम पे गलती होगी, आज के बाद ही जब भी उठाएगा ना तुम तो पूछ के उठाएगा, याद रखिए। और हाँ भाई तू घास काटना आया था ना, चल घास काट ले। काट लूंगा दीवान जी, मैं काट लूंगा, चलो तुम। अरे हमारे सामने काट। हाथी देख रहे हो चाचा, सारा छिलगांव यार मैं अंदर तक, ऐसे काम करवाते हो तुम मिन्नू, लकड़ियों को यहाँ एडजस्ट कर ले पजामे में चाचा यार। अब कह दिया उसने घास काट, कैसे करता बैठा जाना रहा। अब देख लिया तुम्हें, मिल गया तुम्हें चैन, मैं कहना रहा दरोगा बहुत खतरनाक है, नंगा कर देगा चाचा तुम्हो। नंगा तो उल्टा हम करेंगे, हमारा टाइम तो आंदे। मैंने सुनी कही है खालिद यू जो ड्यूटी के बाद में सोच को हल्की फुल्की लगा लेता तो कही है, मैं सोच को तो अभी घर जाके सोच ही आई 40 रुपया देऊंगा, तू यार एक देसी को पौवा ले जाके दीजो सोच को, और यहाँ था न्यू कह दीजो बाबा ने जो गलती मोनी है और थोड़ा सा भेजो तुमको, ठीक है ना। चाचा यार तुम मुझे झंगवा मत दियो, पर चलो तुम्हारे सुनी है तो मैं कर लूंगा कोशिश, में क्या जा रहा अपने भी ताल्लुकात बन जाएंगे दरों के हिसाब से। चलो इन लकड़ियों को तो मैं ले लूं, तुम तो घर हो गई क्या है ना। चलो चाचा चलो, जैसे तुम कंधे से बढ़िया छुटकारा दिलवाया दरोगे ना।
अरे छुटकारो कहा यार खालिद, कहावत ना सुनिए थे ने, मजबूरी को नाम सोमलाल। नहीं सही है, कुछ दिन आराम तो रहेगा। आराम तो रहेगा। ए देख के चाचा किसी ने मामला बिगाड़ रखा है, घूम के कल आओ। पता ना यहाँ छोड़े में। बाबा जी पाम छुई छुआ बाबा जी। हाई तो कर लेता सिकंदराबाद ते काहे को आयो हट के। पाम छुई छुआ बाबा जी। नो आयो नो आयो, भीतर को आजा भीतर को। बाबा जी पाम छुई छुआ। नीचे पाम नीचे आ में पानी में, हाथ बड़ा नीचे। अभी नौ लगो हाथ। बाबा जी पाम छुई छुआ। छुई छुआ है माथे को और लगा भैया। बाबा जी पाम छुई छुआ। छुई छुआ। अब बता कहाँ को होनी है। बाबा मैं नू कह रहा हूँ जो ना मेरा जन्मदिन है परसों को, देखे बाबा आपका मना दो मेरा जन्मदिन। तुम कई साल से नू कहते आ रहे हो जब मनाऊंगा जब मनाऊंगा, इतने दिन हो गए बाबा देखियो। सबके मन रहे राजेंद्र की लौंडिया को खूब बढ़िया मनो बाबा जन्मदिन। चल ठीक है, तो एक काम करियो, अंशु है और मंगल पे दोनों पे फोन करते, वहां को मामा वहां छोड़ जाएगा, उन्हें और बुला लीजो। वो तो बाबा मैंने मामा जी से बात कर ली, मामा जी मैंने फोन कर दिया और आती के अंशु और मंगल भेज दीजो। वे न नोते बाबा पैसा तो देते नो केक खा फालतू को। तनु कह रहे उनकी मोटरसाइकिल खराब हो रही कही है, मैं राह में छोड़ जाऊंगा तो राह में बाबा मैं ले आऊंगा। अरे बाबा मैं कह रहा देखे तो गुस्से मत होइ हो, मैंने जो ना 10-12 कार्ड छपवा दिए खास खास सन को। देख ले खामो खामो खर्चा कर तो डोले है। चल ठीक है कार्ड मोब दे दीजो तो। ठीक है जी बाबा जी। अरे सुन केक पे जो है ना 18 साल से ज्यादा मत लिखवाइयो। पर बाबा मैं तो 18 से ज्यादा को होगा। देख ले बावली बात न करे, ज्यादा लिखवाएगा तो चिकन में गिनो जाल लगेगा, और 18 लिखवाएगा ना हो सके सरकार की नजर पड़ जावे, पुलिस में फौज में को बुला लेवे, सरकारी ड्यूटी को ठप्पा लग जाएगा फिर। ठीक है जी बाबा जी। बाबा जी फिर के पाम छुई छुआ, ऊपर से रहन दो बहुत गंदे हो जा हाथ। भाई यू भी हमारे बावड़ो ये बावड़ो का सूद हो ये यू भी। खालिद यू कहा के है? खालिद चाचा मैं ये कह रहा दरोगे साहब के पास में बैठा हूँ, तोहफा पहुँचा दिया मैंने तुम्हारा इन्हों के पास। संतरे वाला तो वो ले लिया फ्लेवर, और वो 5 रुपए के दाल से हूँ, और चाचा खुशी की बात तो ये दरोगे साहब ने कबूल भी कर लिया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बात करवाता हूँ दरोगा जी। हाँ बात करो दरोगा साहब से। दरोगा साहब जरा बात करिए चाचा श्यामलाल। हेलो दरोगा जी। राम राम। राम राम चाचा। मैं यू कह रहा दरोगा जी हमारे तंदक वैसे चुनक मुन्नक जी उठिया वेतन, वैसा कोई इरादा नो हमारो गैंगस्टर पैंगस्टर नो हम। हाँ यो तो ठीक है, पर किसी की लकड़ी काटना यो गलत बात है। बस दरोगा जी रोटी बनाने को तन लकड़ी की जरूरत ही, या मार चले गए हम तो। ठीक है राम राम जी। राम राम चाचा। दरोगे साहब मैंने भी चाचा श्यामलाल को बहुत ही समझाया, नुका कानून को अपने हाथ में ना लेना चाहिए, मुझे तो पता है ना कानून के हाथ बहुत ही लंबे रहते हैं, पर दरोगे साहब इनका तो वही है इनके घमंड में जो कंधे उठे रहते हैं। पर तुमने सही करा इस बार, सही तमीज सिखलाई नो। हमने तो बहुत समझदार लग गए। बैठ दरोगा साहब ये लगा लो बचपन से ही समझदार रहा हूँ, वो तो इन्हों की संगत में रह रहे के जरा सी अकल फिर गई है इधर उधर को, वरना कोई शिकायत ना देता हूँ मैं कभी भी किसी को। और बाकी तुम्हारा हाथ बना रही है मुझ पर कोई परेशानी फिर तो है ही ना दरोगे साहब, बराबर आता रहेगा संतरा वाला मामला दाल छऊ के साथ।
देख ले 2 घंटा हो गए आया तो ना अभी, फिर मैं धमका दूंगा थूतड़िया और किसी बना लेगा फिर। रहने दे मत धमकाइयो। ओ देख देख आ गा। मेरा जन्मदिन आया है, कैसे मनाऊं तुम बिन, मेरा जन्मदिन। आगे बाल को आगे दीख थोड़ी रही, भट्टा सीन ने खोल के देख ले, 2 घंटा तो इंतजार करवा रहा हूँ यहाँ चके। थोड़ा बोले कर, साइकिल है कि हमारे सुशील हर पे सुमांग कर लाया हूँ। मिल गई ना अब तो साइकिल, अब चल। हाँ चल ले, साइकिल घुमा लूँ मैं। मेरे जन्मदिन के ये नौ तो देने रास्ता में। नुई कहाँ को बैठ रही है, भूल की पहले धक्का देना पड़ा है 3 सवार इन पे। अब तो पर धक्का भी ना लग रहा। हाँ धक्का लगाने तो गोम को फिर धोना आएगा। मंगल मैं कह रहा हूँ, रहा मैं जो ना मेरी सेटिंग का घर है, तन्ने मेरे जन्म दिवस को नौ तो दिवा चलियो। हाँ चलेगा ना तू? ठीक है, राजी हो जा मंगली। या छोड़ दे भाई, या तो गोली दे दूंगा मैं बाहर ही, बाबा ना दे तो आ रहा हूँ भाई दिन से, गोली गोली देने में एक्सपर्ट हो रहा हूँ मैं। अब जो है ना मैं उनसे बहकाऊंगा ना, ढोंग रचाऊंगा, तो साथ दीजो मेरा। यार मंगल मोह लग रहा, हवा निकल की दिखे साइकिल की तो। नो अंशु, मैं तन्ने किन इनके जो है ना पंप ले आऊं हवा भरने, क्या पकड़ लीजिए यहीं साइकिल है, जल्दी आइए थोड़ा। हाँ बस अभी आ रहे हैं, बस जाकर आ रहे हैं। रहेगी हैगी यहाँ बैठे चूल्हे पे, मोह लगे चूल्हे में सुराख छोटा छोटा खाली दिखे। कुत्ता तो नहीं? कुत्ता ना आ जा। अरे मीनाक्षी मेरा जो जन्मदिन है, ले न्योता तेरा, आ जाइए टाइम से। जन्मदिन है? अरे तू पैदा भी हुआ था तो क्या क्या खिलाएगा अपने जन्मदिन पर? वो तो वहीं जाके पता लगेगी, जैसा तू गिफ्ट लाएगी वैसी दावत है अपनो। गिफ्ट? कौन सा गिफ्ट? जब मैंने तेरे को अपने जन्मदिन पर बुलाया था तब तू कौन सा बड़ा गिफ्ट लेके आया था, यूं ही हाथ डुलाते आ गया था। कैस करूं, ये तो मुश्किल देगी कोई गिफ्ट विफट यार, नई दावत खाएगी फ्री में ही। oh, no. तो एक काम कर, एक कार्ड और उल्टा ले, कैसे ही कोई तरकीब लगा। मैं कह रहा हूँ जी, तुम तो बढ़ती रहती दिखाओ ना सोमवार की। हाँ वो तो मैं हमेशा रहती हूँ। ले तो बता, तुम कहो सो आ जाओ फिर दावत में। हमारा तो जो पनीर की सब्जी है, हाँ। पनीर की पकौड़ी है, आलू की पकौड़ी और गोभी की पकौड़ी है, और घिया की लौज बन रही है ना, वहाँ में भी नमक गिरवा बाबा ने, तुम तो आज ना खा पाओगे। खा मा खा, हैरान हो गई, गर्मी पड़ रही है इतनी, लाया कार्ड हम कहीं और दे देंगे, हमारे वैसे थोड़ी पड़ रहे हैं। तो फिर कब देगा दावत? दावत को जी ऐसा हो, जब थारो में जॉन हो जाए ना गिफ्ट देने को, हम झेड़ देसी तुम्हें दावत दे देंगे, या हाथ गिफ्ट दो या हाथ दावत लो, फ्री में ना मिलता है कुछ भी, गिफ्ट ना तो दावत भी ना, अपना आप मना लेंगे हम तो अपना जन्मदिन। सर चाचा श्यामलाल आए हैं, वो आपसे बात करना चाह रहे हैं। चल ठीक है भाई, मैं तेरे से बाद में बात करूंगा। ठीक है भेजो। नीचे खोजा पिटवा। दरोगा जी शोभलाल, पहले तो मैं नमस्कार करना चाह रहा हूँ। अच्छा कर भाई। नमस्कार जी। नमस्कार जी। करिए और कुर्सी आगे करिए, बैठ जा तू भी। बैठ जाऊं मैं? ये बैठ तो गया, और कितना बैठेगा? ये बता क्यों कराना हुआ श्यामलाल जी? आना कहा दरोगा जी, हमारे पोते को जो है ना कल को जन्म दिवस है, तो हम तुम्हें न्योता देने को आए। ये तो अच्छी बात है भाई। हाँ भाई क्या लेवागा गिफ्ट में?
दरोगा अरे यू कहा बालक है यू तो गिफ्ट टिफ्ट यू काहे को लेगो तुम तो एक हमको लिए यो दोनों मिलके कर लेंगे अपने और कहा ठीक है चाचा फिर सारा स्टाफ आवेगा ना 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 दरोगा जी ना तुम्हें आना बस अकेले इनको ये बस तुम्हारा इतना कहो मिजाओ ना मारो तुम्हें आना और वाह लेकर आना मत भूलियो थारे भरोसे हूँ मैं बस लिख दे रे दरोगा जी का नाम लिख बढ़िया करके लिखियो दरोगा जी नीचे कोष्टक में लिखियो अकेले आना है ए के ई ले आ नो है लो बाबा साइन मार दीजिए अपने ठीक है चाचा कल मिलेंगे फिर पेंसिल इनकी है बाबा यू तुम पिटवाओगे तुम चलो अरे माँ मेरे लत्ता कहाँ धर दिए नए वाले अरे खाट पे धरे बीच वाले कमरे में अरे माँ बाबा कहाँ इतनी देर सो दिखी ना रहे कहीं भी अमन इंतजार कर रहा केक काटने को वो कहाँ पता कहाँ डोले या बुड्ढे में इतनी समझदारी कहाँ घर में आदमी बैठे हैं डोले ये पता ना कहाँ मैं दरोगा अब तुम नहीं सोच रहे हो मैं ना तू बिगड़ वर्ती के क्यों बुलाया है अब तू यार मेरी शर्म मान लीजो या डर पर तू यार डर ही मानेगो मुझ पर हो अखड़े तू बो अखड़े तू ए बुड्ढे के डर डर की बात करे है अपुन तो डर भी डरे है मेरा नाम ना पिछेत्र सिंह शेखावत है ना ना यू बात ठीक है तुम्हारी यह बात में बिल्कुल सच्चाई है यह बात सु में सहमत हूँ राजन समय बंदूक धरी नहीं कंजाव यहाँ धरी ना बंदूक भीतर तक हल्को में कॉप हो देख लो या को डरे हूँ या को तुम्हारा ना कभी बहम में हो या को ये स्कॉप हो देखे अपना कॉपरो होगा अपना कॉपरो पता क्यों अभी मोप है मो पे अब पता अब पता कूल कॉफ़े को तू कॉफ़े को तू तेरे जो खालिद के सामने मेरी बात बेइज्जती करी ना मेरी इज्जत तार दी थे ना हाँ तू अपने लगता तारे बाद उठा अरे के बावली बात कर रहा है बुड्ढे लगता उठा नहीं तो खोपड़ी उड़ा दूंगा बस रुक गो यहाँ पे उठा पहन से फिर बुरो पहुंच जाएगी क्योंकि बाबा ने मैं उतरवाई जल्दी उतार दे जल्दी मेरे हाथ कॉफ है फिर जो के तन से मैं चल चला गई तो अभी यार कंधा तो सॉरी मोंग जो तेरे नीचे करवाए हो सॉरी कर दियो माफ उठ जाता
अब करवा दे तुम दम हो तो यहाँ नीचे को। अब आप सुन जो सोच रहे हो बाबा मेरे रत्ता उतरवा दे बाबा ने अपने से सारे ना रुक जा मैं अपने भी सारूंगा। बंदूक है तो तू अब पकड़ा गई ना वो पैसा। अब बात और सुन ले ये नसीहत जो मैं समझियो अपनो बाबा ही समझ के बड़े बूढ़े की इज्जत कर रहे हैं ठीक है ना कहीं दिल पे ले जा बाबा समझू तेरे में ठीक है ना। अब मैं चल रहा हूँ पोते का जन्मदिन है ठीक है ना। मुझे पीने का शौक नहीं पीता हूँ रघुबीरी का गम भुलाने को पीता हूँ गम भुलाने। ए बाबा तुम कहाँ रह गए हम इतनी देर से तुम्हारी बाट देख रहे हैं केक काटने को देर हो रही है मो जल्दी आ जाओ देखिए गुब्बारा भी फूट गया तो आ जाओ बाबा सही मुहूर्त होगा भाई। पागल से ना तू पुष्पा बाजू में झुकू नहीं कसे भी। चाचा पैक मारिया दिखे है। हाँ मारे बता अपने पहचान से मारिए तो काट धा पड़ रही भाई बुढ़े तेने भी जो है ना जीरो हराम कर रखो हमारे तो कदी कदी जी में न्यू और आवे या घर छोड़ कर चली जा। हाँ जा तेरी को जरूरत ना हो या सोमलाल भाई मंगल बदतमीज तुम भी आ गए फ्री को केक खाने को। अरे बाबा जल्दी कटवा दो महारा तो नारफूस का टाइम हो रहा। ओह नो ए कितने बुलाई थी उसके कानून बसा रही है जो मतलब पैसा लाई है ना बाबा पैसा तो ना लाई मैं पैसा ना भाई फ्री को आवे आवे ही केक आज के दे तो पता ना मेरे बाबा वैसी करें 10 कंचा दे दीजिए वही हो जाएगा फट। चाचा आप भी मेरे दोस्त तू ही तो पैसा वाली फरम है हंस के ये मार तू बुलाया हो मैंने खालिद भी है मेरे दोस्त पर वापस वो पैसा न है या मार मैं तो बूझो भी दो। ए बाबा अब तो देखें देर ही देर हो रही है 5:45 पे ही तो पैदा हुआ हूँ मैं 1-1.5 मिनट रही है बस बाबा आ जाओ नहीं तो नेक लिकट जाएगा कटवा दो। तो बड़ो बूढ़ो तू है हम काटेंगे केक है यौन तू भी ना बता सके है बताए करिए हम काटेंगे केक ले बाबा काट दो तमी। पुष्पा बाजू में झुकनो कसे भी पर भैया केक काटने को झुकना पड़ेगा वो दे मेरा पैसा तुमने खवा दे केक। मीठा ही तो है खाएगा तू मैं ना खा रहा बाबा चाचा तुम कह ही रहे हो पर मैं सही बतलाऊं
मुझे भरोसा ना एक मिनट का भी दरोगे का, ए बाज दरोगा छापा मारेगा। अरे वो तो वो पता है ए बाज है पूरो, पर अभी बीच में करना दिया सेट कर दिया मैंने, थर थर कॉप रहा आवे नौ यू को भटके नौ, खुले ओम करना अब तस्कर बनूंगा बड्डो। ना चाचा तस्कर तो तुम बड्डे बन जाओ, कोई परेशानी ना, मैं तो तुम्हारे साथ रह ही आता हूँ, पर वो ये पुलिस से जो है ना जरा बहुत डर लगता ही है। डरने की बात ना हो, कुछ भी दिक्कत ना हो, समझा दियो दरोगा ढंग से। चौहत्तर आज इस बुड्ढे की ना पुष्पबाजी किताब बिल्कुल बंद करनी है, इस बुड्ढे ने बड़ा नाक मदम कर रखा है, ये बड़ा पुष्पबाज बना फिर है, लट बजाने में ना पीछे ना हटिए, आ थार लट भी चाल लगा और मेरी बंदूक भी चाल लगी, चलो। चाचा यार गोलियां चल रही हैं यार। यो, 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 यो। दरोगा आगे दिखे, मैं कह ही रहा तुमसे दरोगा मानने का ना, तू पागल दिखे आगे को आजा, दरोगा सु डर रहो, अरे को कुल्हाड़ी लेके आगे को डट के सामना करेंगे बात है, हल्के में जान रहो। चाचा जब तक तुम खड़े हो डरने की बात तो है ही ना, पर वो ही रहता आप ना सुरक्षा तो अपने हाथ में रहती है चाचा, पुलिस वालों का भरोसा ना रहता टांग पांग में गोली मार देता। चला सकता तो बाकी नहीं, मैं बाकी ना तो मैं सकता बाकी।